आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 17 मई, दिन है सोमवार और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज हमारे इस पॉडकास्ट में क्या क्या है चलिए सुनते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि कोरोना के रोजाना संक्रमण वाले आंकड़ों में कमी तो आई है, तो क्या ये राहत के संकेत हैं या नहीं। बात करेंगे दिन भर कोलकाता में चलती हुई गहमा गहमी की, टीएमसी के विधायकों पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद वहां पर क्या हुआ, बताएंगे आपको वहां के ताजा हालात, और फिर बात करेंगे पंजाब के कोर्ट की जिसने शादी किए बगैर एक साथ रहने वाले जोड़े यानी लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। क्या कहा है कोर्ट ने वो बताएंगे आपको, और फिर बात करेंगे ताऊते चक्रवात की जिसने गुजरात और महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में तबाही मचाई हुई है। तो बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हेडलाइंस हमारे सहयोगी प्रतीक से। सीबीआई कोर्ट में नारदा स्टिंग केस की आज सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुबह सीबीआई ने टीएमसी सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, विधायक मदन मित्रा और पूर्व कोलकाता मेयर शोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफान ताऊते का असर दिखाई दे रहा है। ताऊते रात 8 से 11 बजे के बीच गुजरात तट से टकरा सकता है। दीव से तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई में रुक रुक कर बारिश जारी है और तेज हवा चल रही है। केरल के 4 जिले तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, त्रिशूर और मलप्पुरम में आज से ट्रिपल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। 25 मई तक राज्य में पाबंदियां रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज DRDO के मुख्यालय में कोरोना की देसी दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की, जिसमें 10,000 मरीजों को कोरोना की ये दवा दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव रेट 8.42% रहा। ये 8 अप्रैल के बाद सबसे कम है। देश में पिछले हफ्ते नरम रहे गोल्ड ने इस हफ्ते के शुरुआती दिन में ही तेजी दिखाई है। बाजार में 24 कैरेट सोना 48,181 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हालात कैसे बद से बदतर कर दिए हैं, इससे तो हम और आप वाकिफ हैं। अप्रैल से तो डेली नए केसेस रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण से जूझते भारत में अभी कुछ राहत भरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पहली बार 27 दिनों के बाद 3 लाख से कम कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि चिंता ये है कि कोविड से मरने वालों की संख्या में अभी भी गिरावट नहीं आई है। मौत का आंकड़ा 4,000 से ज़्यादा है, जो फिक्र को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ एक आंकड़ा टेस्टिंग को लेकर भी है। टेस्टिंग नंबर्स में भी 2 लाख की कमी है। आज मंत्री समूह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक भी हुई है और इस बैठक में ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। साथ ही उन तरीकों पर भी बात हुई है ताकि इस दूसरी लहर से और अच्छे से निपटा जाए। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इसका एक मकसद तो ये भी है कि इससे डेथ रेट कम हो, और इसी मुद्दे पर इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय ने रिसर्च की है। तो उनसे मैंने बात की और पूछा कि अब जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक मरने वालों का आंकड़ा कितना कम हुआ है और क्या वैक्सीनेशन का इस पर कुछ असर पड़ा है या नहीं। देखिए, DIO ने एक कैलकुलेशन किया और बेसिकली ये करने के लिए, पता करने के लिए कि डोज जो वैक्सीन के लगे हैं वो हर स्टेट में उसका स्टेटस कैसे बदला है, कैसे चेंज हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंगली डेथ पर भी क्या कोई असर हुआ है क्या। तो हमने ये पाया कि 15 मई तक का डेटा हमने लिया, 16 जनवरी से स्टार्ट था वैक्सीनेशन इंडिया में और 15 मई तक का हमने डेटा लिया और इन दोनों के बीच एक कोरिलेशन देखने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैक्सिमम डेथ है, जो डेथ रेट है, वो गोवा में है। आप देखिए कि 1 लाख पर कितने लोगों की मौत होती है कोरोना की वजह से,
उसमें गोवा सबसे ज्यादा है। गोवा में ये नंबर 126 है, यानी कि 126 लोगों की डेथ हर 1 लाख आबादी पर 15 मई का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है। और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर दिल्ली है, और वहां पे जो डेथ का रेट है वो एक तरह से 112 है। और थर्ड पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र, जहाँ पे कि 65 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ते हैं 1 लाख की आबादी पर। और यहाँ पे इन तीनों स्टेट को पहले अगर हम लें तो वहां पे जो डोजेस हैं वो एक तरह से 13% के आसपास पॉपुलेशन को एटलीस्ट वैक्सीन का एक डोज लग चुका है महाराष्ट्र में, जहाँ पे की डेथ अभी डेथ रेट जो है 1 लाख आबादी पर 65 है। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में करीब 19% पॉपुलेशन को पहला एक तरह से एक वैक्सीन का डोज लग चुका है, और वहां पर 112 है डेथ रेट। तो इसके इसमें ये देखने को आ रहा है कि सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन रहा है, जहां पे कि वैक्सीनेशन भी रिलेटिवली हाई हो और डेथ भी कम हो, उसमें दो स्टेट सामने आते हैं, और वो स्टेट है गुजरात और केरल। ये सरकारी रिपोर्ट के आधार पर जो हमने ये डेटा लिया है वो कोविन डेथ बोर्ड से लिया है, और जो पॉपुलेशन हमने जिसके बेसिस पर हमने 100 पीपल पर डोजेज निकाले हैं वो जो आधार का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है इंडिया का 2020 का, उस बेसिस पर लिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा के बेसिस पर एक कैलकुलेशन हमने किया है। तो उसमें ये सामने आया है कि गुजरात में जहाँ पे कि 18% वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन में हम एक डोज एटलीस्ट एक डोज लगा है वहाँ के 100 में 18 लोगों को वो हुआ है, और 1 लाख पर 14 लोगों की डेथ हुई है, यानी रिलेटिवली बहुत कम है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और बाकी जगह पंजाब, इवन उत्तराखंड, इन जगहों के मुकाबले वैक्सीनेशन भी ज्यादा है और एक तरह से डेथ रेट भी कम है। दीपू, आपने वैक्सीनेशन और डेथ पर जो रिसर्च की है उसमें एनडीए और गैर एनडीए शासित राज्यों में वैक्सीनेशन और मरने वालों का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, रूलिंग गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है नो डाउट मैनेजमेंट में किसी भी तरह के पैंडेमिक का ये सिचुएशन है, लेकिन जो ये पैंडेमिक है उसमें ऑलमोस्ट मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं। खासतौर से आप जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन और डेथ को कंट्रोल करने में गुजरात और केरल का हाथ रहा है। उसमें भी गुजरात थोड़ा सा बेटर है, जो ये सरकारी रिपोर्ट के बेसिस पर एक कैलकुलेशन है, उसमें 1 लाख में 14 लोगों की डेथ हो रही है गुजरात में, वहीं केरल में 1 लाख लोगों पर 17 लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन जहां तक वैक्सीन का ये सवाल है, वहीं 100 लोगों में 18 लोगों को डोज केरल दे रहा है, जबकि गुजरात में 100 लोगों पर ऑलमोस्ट इक्वल 18 लोगों को डोज गुजरात भी दे रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ डेथ जो है वो गुजरात थोड़ा सा बेटर पोजिशन में है, और इससे यह लग रहा है कि, और उसी तरह से कर्नाटक आप ले लीजिए, कर्नाटक में जो कि एनडीए रूल स्टेट है वहां पे भी 31 लोगों की डेथ हो रही है 1 लाख के पॉपुलेशन पर, और 13% की आबादी को वैक्सीन लगा है एटलीस्ट वन डोज। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी किया है, जो कि नॉन एनडीए गवर्नमेंट है वहां पे। यूपी चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए वहाँ 5% लोगों को वैक्सीन लगा है अभी तक एटलीस्ट वन डोज, और उसमें जो मैं 15 मई तक का डेटा का आपको डिटेल दे रहा हूँ, और ये डेथ जो है वहाँ पे 7 है, काफी लो डेथ है और लो वैक्सीनेशन का रेट है। सिंपली एक तरह से एनडीए रूल स्टेट बिहार भी है, जहाँ पे कि 5% पॉपुलेशन को एटलीस्ट वन डोज लगा है और 7 लोगों की डेथ है 1 लाख के पॉपुलेशन पर जो डेथ रेट है। वहीं तमिलनाडु जो रिसेंटली एक तरह से कहा जाए नॉन एनडीए स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो वहाँ के बारे में ये नॉन एनडीए अभी का एक तरह से गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे 22 लोगों की जान जा रही है, 1 लाख पॉपुलेशन में 22 लोगों की डेथ हो रही है कोरोना वायरस से। और तो एक परफॉर्मेंस लेवल पर आप देखें कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट नॉन एनडीए और एनडीए के बीच मिक्स है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चूंकि सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट है इसलिए वैक्सीनेशन में भी, वैक्सीनेशन के फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट में भी एनडीए के स्टेट्स आगे हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना सेकेंड वेव इतना पावरफुल वेव था, इतना उसने डैमेज किया है कि ऑलमोस्ट सारे पोलिटिकल उसमें एक आ गए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्लो पड़ी हुई है रिलेटिवली, और डेथ का जो एक है, जैसे आप गोवा को ले लीजिए, गोवा जो है सबसे ज्यादा
डेथ रेट है वहाँ पे 126 है 1 लाख में, तो एनडीए रूल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वही नॉन एनडीए रूल दिल्ली भी है जहाँ पे 112 है। तो ऑलमोस्ट मिक्स सिग्नल ट्रेंड आ रहे हैं एनडीए और नॉन एनडीए रूल्ड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में। शुक्रिया दीपुराय। तो यानी कि तकरीबन हर राज्य में वही हालत है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या गैर एनडीए की। अब बात चली है तो आपको एक खबर और बता देते हैं। डॉक्टर शाहिद जमील इंडिया के टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं और आप लोगों ने कई बार उनको सुना भी होगा आज तक रेडियो पर। कोरोना संकट के वक्त सरकार की ओर से उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें सार्स CoV2 वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में भारत सरकार पर वैज्ञानिक सूझबूझ की अनदेखी का आरोप लगाया था, साथ ही भारत के कोविड मैनेजमेंट में कई समस्याएं भी गिनाई थीं। इनमें कम टेस्टिंग, धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी भी शामिल है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कफोर्स भी ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर उन्होंने जोर दिया था और कहा था कि इन सभी उपायों को लेकर भारत में मेरे साथी वैज्ञानिकों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें तथ्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर अड़ियल रवैये का सामना करना पड़ रहा है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है बंगाल से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा स्टिंग टेप केस की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। चारों नेताओं को आज सुबह कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय ले जाया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के फौरन बाद ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। उनके वकील ने भी कहा कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायकों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ममता के सीबीआई दफ्तर जाने के बाद तृणमूल कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और पथराव किया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। तो क्या है वहां के ताजा हालात, जानने के लिए हमने बात की कोलकाता में आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से। ये देखिए, सी दफ्तर में अभी भी गहमा गहमी मची हुई है। जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं अभी भी यहाँ मौजूद हैं और ममता बनर्जी अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गई हैं। इन चार नेताओं को सीबीआई दफ्तर जो निजाम पहले से वहां लाया गया, तो उस गेट के बाहर जो मुख्य द्वार है कॉम्प्लेक्स का, उसके बाहर टीएमसी समर्थक एकत्रित होने शुरू हो गए और दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास तक इनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई, लगभग 400-500। और उस दौरान जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात थी उन्होंने लाठीचार्ज की कोशिश की, उनको तितर बितर कोशिश करने की कोशिश की, तब उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। ज्यादा देर तक नहीं, 5-7 मिनट तक ये हंगामा चला। उसके बाद जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने मामले को शांत किया। टीएमसी के कुछ नेता भी जो ममता के साथ भीतर आए थे वो पहुंचे बाहर, उन्होंने शांत करने की कोशिश की, तो शांत हुआ मामला। विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन जो हिंसा हुई थी हिंसा में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। एक मीडिया की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और एक कैमरामैन को के साथ मारपीट की गई है उसी दौरान। कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई अदालत में सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व रखा गया है। सीबीआई की ओर से रिमांड मांगी गई है, जबकि डिफेंस की ओर से कहा गया है इनको छोड़ा जाए, तो फैसला रिजर्व है। थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है फैसला आएगा, फिलहाल की तो यही स्थिति है। अनुपम, मामला अब काफी तूल पकड़ता दिख रहा है, सुबह से अब तक सियासी तौर पर किस तरह के बयान आए हैं? ये देखिए, टीएमसी की ओर से सुबह से ही कहा जा रहा है कि ये एक तरफा बदले की भावना वाली कार्यवाही के तहत किया गया है, क्योंकि इस मामले में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल रहे थे। जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था नारदा का, उसमें वो भी पैसे लेते दिखे थे, लेकिन उनपे कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि टीएमसी के नेताओं पर कार्यवाही की गई। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि टीएमसी ऐसा गलत बोल रही है, कोर्ट के आदेश के बाद ही ये मामला सीबीआई ने शुरू किया था, उसी की जांच के तहत गिरफ्तारी हुई है। तो ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से मेरी थोड़ी देर पहले की बातचीत। और अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक विशेष सीबीआई अदालत ने नारद घूसकांड में गिरफ्तार टीएमसी के चारों विधायकों को जमानत दे दी है। और अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई एक खबर की। बात यह है कि भारत में ऐसी व्यवस्था है कि अगर दो बालिक चाहें तो वो अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक साथ रह सकते हैं, शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। खबर यह है कि पंजाब के जींद जिले में साथ रह रहे एक प्रेमी जोड़े ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने
प्रेमी जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दाखिल करने वाले कपल में 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है। कोर्ट का मानना है कि अगर घर से भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट आदेश जारी करता है तो इससे सामाजिक ताना बाना गड़बड़ा जाएगा। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी पिछले महीने लिव इन में रह रहे 21 साल की एक लड़की और 19 साल के लड़के के संरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे और पहले ऐसे मामलों में क्या होता रहा है, जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। पहले ऐसे मामले जो है हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों पहले भी ये कह दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो उसमें कोई लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट का 2010 का फैसला है, उसके बाद 2013 का फैसला है जिसमें ये कहा है कि मॉरालिटी और लॉ में बहुत बड़ा फर्क है और सोसाइटी ये नहीं कह सकती कि लीगली सोसाइटी को कुछ अच्छा ना भी लगे तो जरूरी नहीं है कि वो कानून के हिसाब से भी गलत माना जाए। यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि अगर इस लड़का लड़की इस जोड़े को साथ रहने दिया गया तो सोशल फैब्रिक का यानी जो सोसाइटी का ताना बाना है वो खराब होता है, जबकि ये दोनों ही अडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, ये लड़की भी 18 साल से ऊपर है, लड़का 21 साल से ऊपर का है और दोनों साथ में रहना चाहते हैं और लड़की की फैमिली उस पर ऑब्जेक्ट कर रही थी इसलिए वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट के पास गए थे। अब जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उससे अगर आप देखें जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ 18 साल की हैं और इससे सोशल का ताना सोसाइटी का ताना बाना खराब होगा, ये सीधे सीधे ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अपने फैसलों के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कई फैसले इस तरह से दिए हैं कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में रहना चाहते हैं या भागकर शादी करना चाहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी देखें अगर तो हादिया केस में आप देखें या फिर शक्ति वाहिनी केस में आप देखें तो साफ साफ 2018-19 में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ फैसले दिए हैं यही कि प्यार करने का हक और अपना पार्टनर चुनने का हक सबको है और अगर कोई मेजर है यानी कि 18 साल से ऊपर है तो उसको अपना पार्टनर चुनने का पूरा पूरा हक है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैसलों के विपरीत जाता है। हमने ये कपल के वकील से भी बात की है और वो यही कह रहे हैं कि वो कोशिश यही करेंगे अब कि अगला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए ताकि इस युवक और युवती को पुलिस प्रोटेक्शन मिल सके और जो इनको डर है कि इस लड़की के परिवार वालों से खतरा जो उनको लग रहा है उससे उनको बचाव मिल सके। ओके अनीशा, आप ये समझाइए कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून क्या है। लिव इन को लेके एग्जैक्टली कानून ये है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानून में एक तो मान्यता दी गई है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को शादी के बराबर ही माना गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी लिव इन रिलेशनशिप को लिव इन पार्टनर को पति या पत्नी के ही दर्जा दिया जाता है। आप इनहेरिटेंस को भी अगर देखें तो लंबे समय से साथ में रहने वालों को जिनको जैसे 10-15-20 साल से जो साथ रह रहे हैं उनको शादी के समान ही माना जाता है। तो हिंदुस्तान में कानून में भी लिव इन रिलेशनशिप की मनाही नहीं है कि अगर आप लंबे समय से साथ रह रहे हैं तो आपको एक शादीशुदा जोड़े के समान ही माना जाएगा। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी कई फैसलों में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कानून के खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में 2013 में यही कहा था कि चाहे वो सोसाइटी को यानी कि लोगों को चाहे अच्छा ना लगे लेकिन क्योंकि ये कानून के खिलाफ नहीं है इसलिए आप लिव इन रिलेशनशिप को मना नहीं कर सकते। तीसरा अगर आप देखें तो हादिया केस में भी और ये शक्ति वाहिनी केस में भी और भी कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ने भी और देश की कई हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि एक एडल्ट को अपना पार्टनर चुनने का अपना साथी चुनने का पूरा हक है। शुक्रिया निशा।
और अब बात तूफान ताऊते की। पिछले कुछ सालों में भारत को कई चक्रवातों का सामना करना पड़ा है। आप इसे ऐसे समझिए कि साल 2019 से लेकर अब तक 15 से ज्यादा चक्रवात भारत के तट से टकरा चुके हैं और अब अरब सागर से उठते ताऊते चक्रवात ने गुजरात और महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में तबाही मचाई हुई है। कर्नाटक में 73 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है तो कहीं पावर सप्लाई के कट होने की भी खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो कुछ घंटे बाद ये तूफान गुजरात के पोरबंदर तट से टकराने वाला है, जिससे नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। मुंबई की बात करें तो तूफान को देखते हुए पश्चिमी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीम और फायर ब्रिगेड की 6 टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ताऊते का किस तरह का असर दिख रहा है और सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं, पूछा हमने आज तक के रेडियो रिपोर्टर मुस्तफा शेख से। देखिए, मुंबई में जो साइक्लोन है वो अभी तक, जब से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, तब से अब तक का ये सबसे एक कह सकते हैं सीवियर तूफान जो साइक्लोन है वो मुंबई को हिट कर रहा है, जिसकी स्पीड अभी तक 114 किलोमीटर पर आ रही है। अगर हम गेटवे ऑफ इंडिया पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ के मैं अगर आपको दृश्य थोड़ा समझाना चाहूँ तो इतनी ज्यादा तेज हवा है कि आप कहीं आपके बाहर रुक नहीं सकते। एक थोड़ा हम एम्बियंस में मैं आपको एक फोन ये जो है देखिए इस आवाज से अंदाजा आया होगा कि जो तेज रफ्तार से चल रही है उससे कितने पेड़ इस वक्त गिरे हुए हम देख रहे हैं, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कोविड सेंटर्स हो, बाकी जगह चीजें हो। तो इसमें प्रशासन ने तो तैयारी पूरी की थी, लेकिन जो वार्निंग थी वो इतने सीवियर स्टॉर्म की वार्निंग नहीं थी। अभी तो एक्सट्रीम लेवल पे आप कह सकते हैं मुंबई में सिचुएशन है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है और ये 100 किलोमीटर पर आवर की ऊपर से ज्यादा की स्पीड के विंड चल रहे हैं। तो एक अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म जिस साइक्लोन ताऊते के नाम पर मुंबई में हिट हुआ है, कुछ और घंटों तक रहने वाला है। पूरी सोमवार आप कह सकते हैं कि मुंबई में तेज बारिश और तेज हवाएं चली है। इससे क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये तो प्रशासन को जब साइक्लोन की पीक खत्म होती है तब ही समझ में आ पाएगा। लेकिन जो हम दृश्य देख रहे हैं, पिछले साल निसर्ग साइक्लोन था मुंबई के लिए, एक्सट्रीम वार्निंग थी, तब भी इतनी ज्यादा विंड नहीं चली थी, इतने ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीएमसी के लिए, मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए एक फिक्र का सबब है कि अरेबियन सागर में कंटिन्यूस 2 साल में 2 बार बड़े साइक्लोन आए हैं। और निसर्ग जब आया था अरेबियन सी में तो 80 साल के बाद अरेबियन सी में साइक्लोन था, लेकिन अब उसके बाद सीधा ये दूसरा साइक्लोन, तो उससे फिक्र बढ़ रही है। और अभी भी मुंबईकरों को घर पर ही रहने की हिदायत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवा और बारिश, जैसे हमने आपको बताया, और मुंबई में कहीं भी अगर आप निकले तो जान और माल की नुकसान होने का एक आशंका है। महाराष्ट्र की ही तरह गुजरात में भी ताऊते का असर देखने को मिल रहा है। तो तूफान की वजह से किस तरह की परेशानी गुजरात में देखी जा रही है और सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांघर से। ताऊते तूफान को लेकर गुजरात सरकार के जरिए तैयारियां पूरी कर दी गई है, क्योंकि गुजरात में ये लैंडफॉल होने वाला है। वैसे में जो समुद्र किनारे पर बसे हुए करीब 14 जितने जिले हैं वहां के लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है। करीब 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करवा के सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। कुछ को जो स्कूल है वहां पे रखा गया है, तो कुछ को जो साइक्लोन शेल्टर होम है वहां पे रखा गया है। और ख़ास करके अगर बात की जाए साइक्लोन की, तो माना जा रहा है कि साइक्लोन जो है वो टकराएगा वो ऊना और वेरावल के बीच में साइक्लोन टकराएगा, जिसके चलते जो तेज़ हवाएं हैं वो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी और इसका असर जो है वो समुद्र किनारे वाले शहरों पर भी देखने मिलेगा। वैसे में गुजरात सरकार, क्योंकि एक और जहां कोविड चल रहा है, तो वैसे में जो अस्पतालें हैं इन इलाकों में कोरोना के जो मामले भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन इलाकों के जो अस्पताल है वहां पे पहले से ही प्रशासन के ज़रिए बता दिया गया है कि बैटरी बैकअप रखना है आपको, यानी जेनसेट वहां पे लगाना है। साथ ही जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन करीब अगले 24 घंटे तक चले उतना ऑक्सीजन यहाँ पर रखना है। और साथ ही ICU ऑन व्हील भी रखा गया है, ताकि अगर वहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, तो लोगों को जल्द से जल्द दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
वही मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने यह कहा है कि आज जो है साइक्लोन गुजरात में लैंडफॉल करेगा और उसका असर जो है वो 18 और 19 ये दो दिन देखने मिलेगा, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है वो प्रिडिक्ट किया गया है सौराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके के शहर है वहाँ पे, साथ ही राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर और उत्तर गुजरात के कुछ शहर है जिसमें पालनपुर और साबरकांठा जैसे जो जिले हैं वहाँ पे उसे एक्सपेक्ट किया गया है कि वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी। वही अगर वैक्सीनेशन का काम की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर भी दो दिन के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को फिलहाल रोक दिया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। शुक्रिया गोपी घांगर और मुस्तफा शेख, आप दोनों का शुक्रिया। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको सुनाते हैं आज तक रेडियो के एक लिसनर राकेश सोनी साहब की एक चिट्ठी, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हमें ईमेल करके कहा है कि मैं आज तक रेडियो का रेगुलर लिसनर हूं और ज्ञान ध्यान की उन्होंने खास तौर पर तारीफ की है और कहा है कि ये ज्ञान ध्यान लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी कीजिए। राकेश जी, ईमेल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हम ज़रूर इस विषय पर ज्ञान ध्यान करेंगे। तो अगर आपके पास भी हो कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई सवाल या कोई सराहना तो ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस शो का साउंड डिजाइन किया था कपिल देव सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।